प्रणव गोयल, हमें साथेज में पढ़ता हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट जीएसएम कंट्रोल रिले यूजिंग आर्डिनो यूनो। नाउ ये आर्डिनो यूनो क्या है? ये हमारा इस प्रोजेक्ट में माइक्रो कंट्रोलर आईसी, इस आईसी का नंबर है 80 मेगा 323। इसको हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। और ये है हमारा जीएसएम शील्ड, ये शील्ड जो हमारे मोबाइल में प्रेजेंट रहता है उसकी तरह ही है। इसमें से सिम कार्ड है जो कोड को रिसीव करने में मदद करता है, और फिर ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर को भेजता है। फिर ये माइक्रो कंट्रोलर उस कोड को पढ़ता है। हमें उस कोड को पहले प्रोग्राम में मेंशन करके प्रोग्राम अपलोड करके करना है। फिर ये अगर वो कोड के साथ मैच किया जो हम कोड हम भेजेंगे, फिर वो रिले को काम करने के लिए मदद करते हैं। रिले अभी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस को चालू करने और बंद करने के लिए मदद करते हैं। ये ब्रेडबोर्ड है जो ब्रेडबोर्ड कनेक्शन के लिए किया गया है। अब हम ये डेमोस्ट्रेशन देंगे। अगर मैं A1 भेजूंगा, A1 अप्लायंस नंबर 1 है, B1 अप्लायंस नंबर 2, यानी कि लाइट जलता है। A1 ऑन करने के लिए और 0 ऑफ करने के लिए। नाउ ये कोड कोई भी जान सकता है, इसलिए मैंने 4 डिजिट का पासवर्ड रखा है जो आसानी से कोई भी याद कर सकते हैं। अगर मैं A1 नंबर भेजूँ जैसे ही आपने सुना ये बीप वाली आवाज, इसका मतलब इसने रिसीव किया। रिसीव करके फिर हमारा आईसी चिप को भेजा, तो चिप रीड करता है। अगर वो मैच किया प्रोग्राम के साथ, फिर वो रिले को चालू करने के लिए मदद करता है। और जैसे ही आपने देखा ये फैन भी ऑन हो गया। अगर मैं B1 भेजूँ यानी सेकेंड अप्लायंस मतलब लाइट, तो ये लाइट भी ऑन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसे उसी सेम प्रिंसिपल में ये रिसीव करके रीड करके फिर रिले को लाइट को ऑन करने के लिए मदद करते हैं। हमें अगर B0 भेजूंगा, A0 भेजूंगा, फिर ये लाइट फैन ऑफ हो जाएगा। आप किसी एक अप्लायंस को ऑन कर सकते हैं और सारी अप्लायंस के एक साथ ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं B0 भेजूँ तो ये लाइट भी ऑफ हो जाएगा।